हेलो गाइज, राधे राधे। देख सकते हैं मैं ये काजोल जैसी जुड़ी हुई आईब्रो बना रही हूँ। इनका क्या बहुत घना आईब्रो था। ये पहली बार मेरे पास आई थी थ्रेडिंग करवाने, तो बोली कि आंटी मुझे खूब अच्छा मोटा शेप चाहिए और जुटा हुआ रखना है। तो मैं बोली ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने इन पे अच्छे से तो पाउडर लगा दिया, और उसके बाद पाउडर लगा के आराम से, ये क्या लड़की थी तो थोड़ा सा आराम से ही किया, क्योंकि पहली बार इसको बहुत दर्द हो रहा था और ज़्यादा घनी घनी भी था। फोरहेड पे देख सकते हैं आप कितना भरा हुआ है। तो मैं आराम आराम से करी, तो इसके में काफ़ी मुझे टाइम लगा था थ्रेडिंग करने में, क्योंकि बहुत घना था और बाल भी बहुत थे फोरहेड पे। तो आपके पास भी ऐसा कोई आता है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे शेप देते हैं। इसका क्या पॉइंट वाला बहुत अच्छा शेप है, तो वैसे ही हमें करना है इसको, क्या राउंड शेप में नहीं करना है। तो आप ये पहली बार है तो थोड़ा सा आराम आराम से करना ही पड़ता है। आपके पास भी अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं क्या अभी थोड़ा शादी का सीज़न चल रहा, तो मैं इसलिए बहुत बिजी थी, इसलिए मैं बोल के नहीं डाल पा रही थी। तो जल्दी में मैं म्यूजिक डाल देती थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात हो कर लें और आप लोगों को समझा भी दें। तो आप देख सकते हैं ये पहली बार है, तो कितने लोगों को ये होता है कि शेप देने में दिक्कत होती है। तो आप लोगों को, अगर आप नए हैं या तो आप सीख रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आईब्रो पेंसिल ले लें और उससे आप शेप बना लें कि कितना हमें बाल एक्स्ट्रा निकालना है। तो आप उससे शेप बना के और फिर उसी लाइन पे आप धागा चलाएं, तो ऐसे करने से आपका कभी भी आईब्रो ख़राब नहीं होगा, उससे अच्छे शेप आ जाएंगे। अब हमें क्या है कि आदत हो गई है हमेशा करने की, तो हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन अगर सीखने वाले हैं तो वैसा कर सकते हैं। मैं जैसे सिखाती हूँ तो उन लोग को भी ये बात बोलती हूँ कि अगर तुम लोग नए किसी को करना है अपने घर पे किसी को, तो ऐसे शेप दे दो, फिर आप लोग ऐसे करो, तो उससे आपका कभी भी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगा। अब एक तरफ का क्या होता है कितने लोगों का कि अटपटा सा होता है थ्रेडिंग, दोनों साइड का बराबर नहीं होता है। बहुत कम लोगों का दोनों थ्रेडिंग बराबर होता है, नहीं तो एक थोड़ा सा सीधा रहता है और एक डाउन रहता है। ऐसा हर मतलब लेडीजों का अक्सर होता है। कितने लोगों का दोनों अच्छा भी होता है एक साइड में, इसका क्या दोनों एक साइड में था, इधर सा इधर वाला थोड़ा सा राइट वाला थोड़ा सा कम ग्रोथ था, इधर वाला ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से करी हूँ, कितना बढ़िया आया है। आप देख सकते हैं सेब बहुत बढ़िया आया था, वो भी खुश हो गई थी कि हाँ आंटी आपने अच्छा करा है। तो एक एक बाल आप धागे में लेके करते जाए, आपको क्या घबराना नहीं है। घबरा के करोगे तो फिर थ्रेडिंग ख़राब। आप देख सकते हैं इधर का थोड़ा सा इनका भी कम है, लेकिन मैंने उसको मिलाते हुए शेप अच्छा दिया था। तो आप लास्ट तक वीडियो देखें, और आपको अगर कुछ मेरे से और कुछ पूछना हो कहना हो तो कमेंट के द्वारा कह सकते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखें। आपके पास भी ऐसा कोई आपके घर में या तो कस्टमर आते हैं, तो आप भी ये वीडियो देख के उनका भी ऐसा शेप देने की कोशिश कर सकते हैं। तो आराम आराम से करें, बिल्कुल घबराए नहीं, धीरे धीरे करोगे तो आपका भी अच्छा होगा। कोई चीज़ करने से पहले घबरा जाओगे तो फिर कैसे कर पाओगे। इसलिए आप लोग भी वीडियो देखें, मेरा जो भी वीडियो डालती हूँ मैं हर समय सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो डालें। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको कैसा लगा, और लास्ट तक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।
हैं।